Assalamualaikum, I am Zahid Hussain Sial, Chemistry Lecturer, Government Mehran Degree College, Moro. My topic is Chemical Bonding for Class 1st Year. So, first of all, I want to define what is chemical bond. A force which holds atoms together to form molecule or crystals is called chemical bond. Now, next question arises in your minds, why chemical bond is formed between atoms? I want to tell you that atoms have high energy and their octet and duplet is not complete. So, for that purpose, they combine together to form a chemical bond by sharing or by transferring of electron to each other. Like that, hydrogen have one electron and one nucleus, and another hydrogen has also one electron in their valence shell and one proton in its nucleus. While these two hydrogens combine, they form a molecule. Like that. There are two types of chemical bond. Number one, ionic or electrovalent bond. And dusra hai covalent bond. I want to explain ionic bond. Kisko kehte hain hum? Ya electrovalent bond. इसे कहते हैं अ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बिटवीन कैटायन एंड एनायन. अ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बिटवीन कैटायन और एंड एनायन. यू मे आल्सो डिफाइन इट अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव.
आपको शुरू में एक बात बताई थी कि एटम अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कैसे करेगा, वह या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। आयोनिक बॉन्ड में आपको मैं बताता हूं, जैसे सोडियम आयन है, इसके वैलेंस शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, पहले ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, बाकी इसके जो वैलेंस शेल में उस वो खत्म हो जाएगा, रिमेनिंग शेल में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो स्टेबल आयन कहलाएगा, कैटायन जिसे आप कहते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी और इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसी तरीके से आप क्लोरीन को देखेंगे कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में सात इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया है, अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में आ जाएंगे आठ इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आएंगे। अब ये जो पॉजिटिव सोडियम है और क्लोरीन जिसके पास निगेटिव चार्ज है, थर्ड स्टेप में ये आपस में जुड़ेंगे। लाइक दैट आप देखेंगे कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड पे निगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रोस्टेटिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फॉर्म अ बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। Sodium has to donate while chloride has gained that electron. You may take another example of ionic bond, is that magnesium oxide. यहाँ पे magnesium ने दो electron दिए हैं और oxygen ने दो electron लिए हैं। Magnesium ने दो electron देके बाकी remaining जो shell था उसके पास आठ electron हैं और oxygen को शेल में छह इलेक्ट्रॉन है, उसको दो दरकार थे, दो चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, तो वो दो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने प्रोवाइड किए, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है और इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एटम की वजह है कि केमिकल बॉन्ड बनाने की वो यही है कि वो अपना ऑक्टेट एंड डुप्लेट कंप्लीट करता है। Now, हम अब आएंगे के कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। A chemical bond which is formed between two similar or dissimilar atoms by mutual sharing of electron is called covalent bond. मैं आपको ये example देके समझा रहा हूँ कि ये कैसे बनता है। जैसे कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगर ये दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ना चाहे तो उसके पास भी दो वैलेंस शेल में सात इलेक्ट्रॉन है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इसको भी, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, ये तो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन तो नहीं सकते लेकिन हाँ शेयर जरूर कर सकते हैं, अपनी जो जरूरत है वो म्यूचुअल शेयरिंग से कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक दैट ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन ने आपस में शेयर किया है, इन इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस तरीके से शेयर पेयर के साथ इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दे बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, दो दोनों की शराकत से बना हुआ है। मैंने जैसे डेफिनेशन में आप लोगों को बताया, अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बिटवीन सिमिलर एटम और डिसिमिलर एटम, दीज आर बोथ सिमिलर एटम, सो द बॉन्ड is pure co
स्मॉल है, क्योंकि इनके जो शेयर पे है प्योरली सेंटर पे है, ये इस वजह से प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि डिसिमिलर एटम में ये बॉन्ड कैसे बनता है। लाइक आप देखें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, और क्लोरीन में दूसरा एटम क्लोरीन ले लेता हूं, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। हमें इससे पता चलता है कि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, और जब ये हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करना है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो पता है क्या होगा, इनके दरमियान शेयरिंग होगी एक इलेक्ट्रॉन की, मगर जो शेयर्ड पेयर है वो सेंटर पे नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जो क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींचेगा तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा एफिशिएंसी होगी वहां पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यू में से डेफिशिएंसी होगी वहां पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगी। यू कैन आल्सो सी दिस, हमने हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज दिए क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा है, तो इस वजह से हमने क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज दी हुई है। तो इस तरीके सिमिलर एटम, ये तो सिमिलर में भी बन सकता है और डिसिमिलर एटम या डिफरेंट एटम में भी बन सकता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको बताता चलूं कि कोवेलेंट बॉन्ड के भी इकसाम होते हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी है, वो आपको मैं आपको बताऊंगा अभी। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन अनदर इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम्स के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो इसको हम शो भी सिंगल लाइन से कर रहे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को डिनोटेड बाय सिंगल लाइन। नंबर टू डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड इन विच टू एटम्स हैज टू शेयर टू टू इलेक्ट्रॉन्स टू वन अनदर टू फॉर्म अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स शेयर होते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं वैलेंस शेल में 6, दूसरा ऑक्सीजन है उसके पास भी तो 6 है। मैं यहां पे डॉट दे रहा हूं, यहां पे क्रॉस लगा रहा हूं, जस्ट आपको डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के और ये डॉटेड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के। तो बेटा इसके पास 6 है और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को अपना आते
simple covalent bond. आप मेरी काली मतलब डेफिनेशन रिपीट किए, बस फर्क इसमें ये है कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम शेयर होंगे. मैं उसका आपको एग्जांपल देता चलो. इसको ट्रिपल लाइन से शो करते हैं. नाइट्रोजन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है और बेटा आप दूसरी नाइट्रोजन लेंगे उसके भी उसके पास भी पांच इलेक्ट्रॉन होंगे. तो ये दोनों आपस में ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करें? ये दो नाइट्रोजन तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं आपस में. ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ये बीच वाले छह और दो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन मिलकर आठ इसके भी कंप्लीट हुए. तो यहां पे तीन शेयर पे है जिसमें एक एक एटम ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं. तो इसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे और इट इज डिनोटेड बाय ट्रिपल लाइन. नाउ मैं आपको कंक्लूड करके बताता हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड. बेटा आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहां पे देखो. मतलब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे. और एक दूसरा तीसरा किस्म भी है बॉन्ड, उसको कहते हैं डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. उसका थोड़ा मैं आपको इंट्रो देता चलूं. डेटिव और को कोऑर्डिनेट्स कोवेलेंट बॉन्ड. अ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन डिसिमिलर एटम्स, बिटवीन अनलाइक एटम्स बाय वन साइड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड. मैं आपको इसका एग्जांपल देता चलूं और आपको बताता चलूं. ये वो बॉन्ड है जिसमें दो डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़ेंगे, शेयरिंग होगी वहां पे भी इलेक्ट्रॉन की. लेकिन यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट में ये फर्क है कि वन साइड शेयरिंग होगी, माना एक तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, दूसरा उसको हम डोनर कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे हम एक्सेप्टर कहेंगे. लाइक दैट आप ये एग्जांपल देखते चले. अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है. मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर खोल के समझाता हूं कि ये कैसे बना. यहां पे बेटा आपको पता है कि नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर सात है, कैलोरी छह में दो, वैलेंस छह में पांच इलेक्ट्रॉन है. आपको मैं पांचों दिखा रहा हूं क्योंकि केमिकल बॉन्ड वैलेंस छह में बनता है. आप देखें नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, इस तरफ भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, इस तरफ भी हाइड्रोजन के साथ. देखो यहां पे हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया हुआ है, यहां पे डुप्लेट कंप्लीट किया है, यहां पे डुप्लेट, और नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया.
दे रहा है और हाइड्रोजन ले रहा है। जो दे रहा है उसको आप डोनर कहेंगे, जो ले रहा है उसे आप एक्सेप्टर कहेंगे। हाँ, जो दे रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, जो ले रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है इस वजह से जो दे रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगी। ये जो बॉन्ड है हमने इसको एरो से शो किया है। एरो का मतलब यहां पे ये आ रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके इस तरफ जा रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि बेटा यहां पे वन साइड शेयरिंग होगी, ट्रांसफर नहीं हो रहे इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे होंगे अगर यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो फिर नाइट्रोजन का पेयर कैसे कंप्लीट होगा। ये मतलब जो है नाइट्रोजन अपने दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जस्ट शेयर कर रहा है। माने ये जो दो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के आप पेयर में भी घूमेंगे तो उसका उसको कंप्लीट करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह वी विल लर्न फर्दर। इंशाल्लाह थैंक यू।